हेलो दोस्तों, आज मैं ऐसी एक प्याज की रेसिपी लेके आई हूँ आपके पास जिसमें आपको अधिकतर आटा गूंदना पड़ता है, और अगर आपको बार बार बनाया नहीं है, नहीं बनाना आता, तो आप इस रेसिपी को बना भी नहीं पाते हैं। देखिए, मैं बिना आटा गूंदे आपको ये रेसिपी बताने वाली हूँ। भरुआ बढ़िया वाले प्याज के पराठे हैं, लेकिन आटा का कोई गूंदने का झंझट नहीं है, बच्चे भी बना सकते हैं। मैंने इसके लिए प्याज लिया है, पनीर ग्रेट करके लिया है, जिससे इसकी रेसिपी में बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। चिली फ्लेक्स है, गार्लिक पाउडर है, यहाँ पे मैंने पुदीने का पाउडर डाला है, अगर फ्रेश पुदीना है तो डाल दीजिए, धनिया है और थोड़ा सा चाट मसाला इसमें जरूर डालें। ये जो प्याज के पराठे हैं, इस तरह से पराठे वो सब लोग बना सकते हैं जिनको कि भरवा पराठे बनाने नहीं आते। इस मसाले को ज्यादा पकाना नहीं है, बस हल्के से सौटे कर लेना है। नमक मैंने इसमें स्वाद के अनुसार डाल दिया है, बस इन सबको मिक्स करके आप ठंडा होने रख दीजिए। अब आप लें 1 कप आटा और 1/2 कप मैदा, ये मैदा ऑप्शनल है, आप पूरा आटा भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा नमक। अब यहाँ पे आप थोड़ा पानी का इस्तेमाल कीजिए और इसका एक जैसे डोसा का बैटर होता है वैसे तैयार कर लीजिए, यानी फर्मेंट नहीं करना है, बस इसको घोल के इस तरीके से लंप फ्री बना दीजिए ताकि उतना गाढ़ा रहे, पतला बिल्कुल भी ना करें, जैसा गाढ़ा दिख रहा है वैसे ही। 2 टीस्पून मैंने इसमें ऑयल डाले हैं। अब मैंने तवा गर्म करके आँच को कम कर दिया है और इस तरीके से मैंने ये आटा डाल लिया है। देखिए, अब ये पक रहा है, मैंने इसको ढक लिया है। ये स्टफिंग मैंने ऊपर से डाली है। कई बार इतना भरवा पराठा तो हम अच्छे अच्छे भी नहीं बना पाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि किनारे से फट जाते हैं। अब मैंने ऊपर वाले जो आटे की लेयर है बहुत कम डाली है, उतना ही जितना की ज़रूरत है। जब हम इसको पहली बार पलटेंगे तो ये इतना ही पका होगा, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा आप इसको पहले नीचे से ब्राउन नहीं कर लेंगे, ओके। फिर आप इसको इस तरह से फ्लिप करेंगे, 2 या 3 बार आपको इसको फ्लिप करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप दोनों तरफ से इसका कलर देख रहे हैं कितना अच्छा आ गया। अब ये पराठे कितने टेस्टी हैं, कितने अच्छे और जल्दी बन गए हैं, ये तो आप जब इसको बनाएंगे तभी पता चलेगा। दोस्तों, बहुत जल्दी बनते हैं। इसके साथ हम पालक की फिलिंग, कैबेज की फिलिंग भी कर सकते हैं, कैरेट की भी कर सकते हैं, जो हम मोमोज के लिए मसाला बनाते हैं उसकी फिलिंग भी इसमें कर सकते हैं। तो कई सारी वैरायटी मैं आपको इसमें बता रही हूँ। अब आप यहाँ पर इसको बहुत करीब से इसका कलर देख सकते हैं, कितना बढ़िया कलर है, पूरा अच्छी तरीके से क्रिस्पी बना है। जो ऑयल डाला है वो ज़रूर डालना है, और हाँ, आटे की लेयर बहुत मोटी हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे। किसी वजह से अगर आपका आटा ज़्यादा मोटा हो गया तो आप जब उसे फ्लिप करेंगे उसको फोर्क से उसमें कुछ छेद बना दीजिए, जिससे जो गर्म स्टीम है अंदर जाएगी और अच्छी तरीके से वो अंदर से भी पक जाएगा। फ्रेंड्स, ज़रूर बताएं आप इस रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं, दिल्ली से, लखनऊ से, या किस कोने से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि इस रेसिपी से कितने लोग जो है फ़ायदा उठाने वाले हैं। मस्त रेसिपी है। आटे की पतली वाली लेयर होने की वजह से आप देख रहे हैं प्याज भी साथ में भुन रही है, और कितनी अच्छी करमलाइज होगी ब्राउन, यानी आटे के बाहर से भी देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। अब मेरे 2 पराठे रेडी हो गए, फटाफट मैं इनको सर्व करने जा रही हूँ। बनाते रहिए, जितना घोल बनाएंगे उतने अच्छे अच्छे पराठे फटाफट तैयार हैं इस तरीके से। अब हम इसको सर्व किसके साथ करते हैं, हम इसके लिए लेते हैं थोड़ा सा दही अचार, क्योंकि ऑलरेडी सब्जी तो इसके अंदर है ही है ना, इतनी टेस्टी हमने इसके अंदर सब्जी जो डाली हुई है। देखिए, प्लेट रेडी हो गई है। अब आप अंदर की फिलिंग देखिए, पूरी भरी हुई है, कहीं से भी कोई कम या ज़्यादा नहीं है। हमें पूरा मौका मिला कि हम उसको आराम से अंदर से इसको स्प्रेड कर दें। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल तड़का सब्सक्राइब नहीं किया है, झटपट से उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि उससे मेरी रेसिपी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी।